टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो जो चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। एवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। एवोल्यूशन में हमने एविडेंस तक आ गए हम लोग। ठीक है, हम एवोल्यूशन में कहाँ तक आ गए? एविडेंसेस तक आ गए। ठीक है, एविडेंसेस में हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा टॉपिक, हमने एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? फॉसिल्स के बारे में, है ना? क्लियर। फॉसिल्स के बारे में हमने फर्स्ट पॉइंट बोला था कि फॉसिल्स की स्टडी होती है जिसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपके पास लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उन्हें। ठीक, ये चीज हमने बता रखा था, लेक्चर में फिनिश किया था वहां पर। फिर हमने कहा था कुछ मेथड्स हैं फॉसिल्स पता करने के। उसमें हमने कहा था कार्बन डेटिंग एक है, ठीक है, जिसमें C14 अपॉन में C12 का, एक सेकंड दे बेटा, बस एक सेकंड दे मुझे। हमने कार्बन डेटिंग पढ़ ली थी। हमने किस पे बात कर ली थी? कार्बन डेटिंग पे। ठीक, दूसरा हमने, मैंने बोला था एक पोटेशियम आर्गन मेथड होता है, ये भी रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड है। क्लियर। एक मेथड होता है हमारे पास जिसे लेड डेटिंग कहते हैं बेटा, ये सब रेडियो एक्टिविटी बेस्ड है। एक मेथड होता है जिसे ESR कहते हैं, इसको भी यूज करते हैं फॉसिल की स्टडी में। ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। अब इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, नाम याद करो, ऐसा सच नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन पे लास्ट टाइम हमने कार्बन डेटिंग पे फिनिश किया था, ये कुछ नाम और है आपके लिए। ठीक है, कुछ नाम और है हमारे पास। इसमें से ये वाला जो मेथड है वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल्स होती है उनके लिए यूज करते हैं, ESR कहते हैं इसे। क्लियर, ESR कहते हैं। और इसमें एक्चुअल में क्या करते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह यूज करते हैं। तो इस तरीके से कुछ यूज करके इसको मतलब मेथड है ये, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, हमें कोई मैकेनिज्म नहीं जानना है। तो सबसे पहला एविडेंस तो हमारे पास फॉसिल्स हो गया। सेकेंड एविडेंस से बेटा आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आते थे, ठीक है, और आपके नीट में भी आते थे, उसे हम कहते हैं कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ये बोलते हैं कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक, इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना बेटा, इसका क्या मतलब है। क्लियर, इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना। अगर मैं मान लो किसी के हिंडलिम देख रहा हूं, हिंडलिम में जो बोन्स हैं उनको चेक कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं किसी के फोर लिम्ब ले लेते हैं, किसी के फोर लिम्ब का मतलब हाथ की जो बोन्स हैं उनको चेक कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, उनको चेक कर रहा हूं मैं इस तरीके से, और फिर उसमें ऐसे हमारे पास ये आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं किसी की फोर लिम्ब्स, इसका मतलब समझा रहा हूं, कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का मतलब समझा रहा हूं। अगर मैं किसी के फोर लिम्ब को कंपेयर कर रहा हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं, पहला एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, दूसरा जो एक्सटिंक्ट हो गए उनसे, समझ लो इस बात को। तो किसी के फोर लिम्ब को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं एग्जिस्टिंग से और एक्सटिंक्ट से, तो मुझे कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है, मुझे क्या मिलते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मिलते हैं। ये काफी होता है ये रिलेट करने के लिए कि किस ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। मतलब जैसे मान लो मैं ह्यूमन का हैंड और बैट के विंग्स कंपेयर करता हूं, तो मुझे उनमें सब में बोन्स मिलती है उसी तरीके की, तो मैं कहता हूं ये दोनों मैमल हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी कंपेयर एनी स्ट्रक्चर, किससे कंपेयर कर रहे हैं बेटा, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से और एक्सटिंक्ट से, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें क्या दिखता है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दिखते हैं। सिमिलैरिटीज और क्या दिखते हैं बेटा हमारे पास, डिफरेंसेस दिखते हैं। ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस किसमें होते हैं हमारे पास,
ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस किस में होते हैं बेटा, किस में होते हैं कि जो अभी एग्जिस्ट करते हैं उनमें या जो एक्सटिंक्ट हो गए उनसे, उनसे हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, ये चीज होती है, इसे कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी। मतलब मैं उनके या तो इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करूंगा या एक्सटर्नल को कंपेयर करूंगा। किसको कंपेयर करूंगा, किसी ऑर्गेनिज्म को लेकर जो एक्सटिंक्ट हो गए उनसे, सॉरी जो एग्जिस्टिंग है उनसे और जो एक्सटिंक्ट हो गए उनसे। क्लियर, इसको लेके हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, इसी में होमोलॉजी और एनालॉजी मिलती है मुझे। मुझे क्या मिलती है, होमोलॉजी मिलती है। क्लियर, होमोलॉजी मिलती है और क्या मिलती है, एनालॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ये आपने पढ़ा था 10th क्लास में, होमोलोगस एनालोगस वही है ये। तो हमें होमोलॉजी मिलती है। नाउ व्हाट इज होमोलॉजी, होमोलॉजी का क्या मतलब होता है बेटा, होमोलॉजी का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने। होमोलॉजी का मतलब होता है दो चीजों में सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी इन इन बेसिक प्लान। बेसिक प्लान का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो किसी के हाथ की बोन्स हैं तो उसमें रेडियस है, उल्ना है और फिर फेलेंजेस है ऐसे। तो सिमिलैरिटी इन बेसिक प्लान, प्लांट नहीं प्लान, सिमिलैरिटी इन बेसिक प्लान, बेसिक प्लान में सिमिलैरिटी। ठीक है, बेसिक प्लान में सिमिलैरिटी। दूसरा सिमिलैरिटी इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब जब एम्ब्रियो स्टेज में देखें या किस तरीके से हम लोग देखें कि डेवलप होते हुए क्या सिमिलैरिटी आई। मेरी बात समझो ध्यान से, होमोलॉजी का मतलब होता है कि मैं जब ह्यूमन का हैंड कंपेयर करूंगा किससे, किसी और मैमल से, जैसे कि वेल से कंपेयर करूं, तो मुझे वो बेसिक प्लान सिमिलर मिलेगा, मुझे वही वाली बोन्स सिमिलर मिलेंगी बैट के विंग्स में। या एम्ब्रियो से जब डेवलप हो रहे थे तो कुछ बेसिक डेवलपमेंट मुझे सेम मिलेगी। तो ये हमें, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं होमोलॉजी, इसे हम क्या बोलते हैं, होमोलॉजी, इसे हम कहते हैं होमोलॉजी। होमोलॉजी का मतलब सिमिलैरिटी इन बेसिक प्लान और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एक तरीके से ओरिजिन, ओरिजिन वाइज स्ट्रक्चर सेम है। क्लियर, स्ट्रक्चर सेम है, यहां तक समझ आ रहा है बेटा, स्ट्रक्चर सेम है। अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको कहता हूं वेल, वेल वेल के जो फिन्स हैं उसमें भी मुझे वही बोन्स जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। मैं अगर बैट ले लेता हूं, बैट के जो विंग्स हैं उसमें भी मुझे वही बोन्स दिखती हैं, और ह्यूमन के फोर लिंब में, हाथ में मुझे वही बोन्स दिखती हैं ह्यूमन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनका मेरे पास कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। क्या रहा होगा, कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, समझ लो इस बात को। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, व्हाट होमोलॉजी, व्हाट होमोलॉजी टेल्स, होमोलॉजी क्या बताती है, होमोलॉजी बताती है कॉमन एंसेस्टर। समझ आ रहा है, होमोलॉजी क्या बताती है, कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर का मतलब ये हुआ, कॉमन एंसेस्टर का मतलब ये हुआ कि इनके कॉमन एंसेस्टर हैं, क्योंकि इनके बेसिक प्लान सिमिलर है, सबके हाथ की बोन्स वैसी हैं, हाथ की, फिन्स की, ये सारा। ये चीज समझ आ रहा है बेटा, ये चीज समझ आ रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। मतलब मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये बताया कि जब मैंने इनका बेसिक प्लान कंपेयर किया, बेसिक प्लान में मुझे बोन्स सिमिलर मिली, बोन्स सिमिलर मिली, मुझे बोन्स क्या मिली, सिमिलर मिली। जो सिमिलर बोन्स हमारे पास हैं, सिमिलर बोन्स हमारे पास हैं, मुझे बोन्स क्या मिली, सिमिलर मिली, बोन्स हमें क्या मिली, सिमिलर मिली। एक मिनट रुको, इधर देखो बेटा, बेसिक प्लान में अगर देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है, बोन्स सिमिलर मिलती हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास विंग्स हैं बैट के, मेरे पास वेल है, वेल के फिन्स हैं, और ह्यूमन के फोर लिम्ब है, तो इन सब का बेसिक प्लान सिमिलर है। और मैं कह रहा हूं ये कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, ये किससे आए हैं, कॉमन एंसेस्टर से। तो इनके जो ये विंग्स हैं, विंग्स, फिन्स, फोर लिम्ब,
ये एक तरीके से कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये एक तरीके से कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, होमोलोगस। कौन से स्ट्रक्चर हो गए, होमोलोगस स्ट्रक्चर हो गए। और होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन कौन से, विंग्स, फिन्स और फोरलिंग। और ये किससे आए हैं, कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, क्लियर। तो इस तरह के एवोल्यूशन को कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, समझो इस बात को। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है बेटा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन प्रोसेस है। तो फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, मैं लिख रहा हूं इस बात को, फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बाय द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होमोलोगस स्ट्रक्चर इवॉल्व। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर इज रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट। तो इनका बेसिक प्लान सिमिलर है, मतलब इनका ओरिजिन सिमिलर है, इनका क्या सिमिलर है, ओरिजिन, लेकिन फाइनल स्ट्रक्चर अलग है। ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, क्लियर। और वो किसका रिजल्ट है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। किसका रिजल्ट है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। इसका मतलब ये हुआ जिन स्ट्रक्चर के बेसिक प्लान सिमिलर होते हैं वो कॉमन एंसेस्टर के डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से आते हैं, because these structure evolve due to different adaptation, अलग अलग adaptation in different habitat। यहां तक समझ आया बेटा? तो आप अगर इन questions के answer कर पा रहे हैं कि सबसे पहले होमोलॉजी क्या मतलब है, होमोलॉजी का मतलब सिमिलैरिटी, ठीक, किसमें, ओरिजिन में। होमोलोगस स्ट्रक्चर इज रिजल्ट किसका, रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक, क्लियर, ठीक है। और होमोलोगस स्ट्रक्चर के कॉमन क्या थे, होमोलॉजी का मतलब कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए डिफरेंट हैबिटेट में। यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर। इसके जो एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले है बेटा वेल, बैट, चीता, ह्यूमन, इनके फोर लिम्ब। उन फोर लिम्ब्स में हमारे पास मान लो ह्यूमरस एक बोन होती है, ये वाली हमारे पास, रेडियस अल्ना, ये सिमिलर है, वो सब में है, ठीक है, वो सब में, क्लियर। हाँ, ये होमोलोगस ही है बेटा, होमोलोगस का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है वर्टीब्रेट हार्ट में क्या होमोलॉजी है, चैंबर्स बने हुए, रिपीट कर रहा हूं, वर्टीब्रेट हार्ट में क्या होमोलॉजी है, ऐसे चैंबर्स बने हुए, नंबर ऑफ चैंबर्स वेरी करे हैं, पर चैंबर्स बने हुए हैं, चैंबर हार्ट है वो, वर्टीब्रेट हार्ट एक तरीके से होमोलोगस है, चैंबर्स बने हुए। वर्टीब्रेट का ब्रेन, अगर तुम वर्टीब्रेट का ब्रेन कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा बेटा, क्या दिखेगा कि उन ब्रेन में सब में सेरिब्रम है, उसमें सब में मेडुला है, समझ आ रहा है, इस तरह के पार्ट सब में है, कॉर्टेक्स, सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है। ये किसके एग्जाम्पल है, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है बेटा, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है क्या, वेल, वर्टिब्रेट हर्ट, वर्टिब्रेट का ब्रेन, क्लियर। उसके अलावा बेटा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इंसेक्ट के माउथ पार्ट, इंसेक्ट के हमारे पास क्या, माउथ पार्ट। माउथ पार्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे आप कॉकरोच देखोगे, कॉकरोच में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे हम कहते हैं एक लेबियम होता है, एक मैक्सिला होता है, एक मैंडिबल होता है, ये पार्ट है माउथ के। अलग अलग चीजें इवॉल्व हो रखी होंगी, क्लियर, अलग अलग चीजें क्या होंगी हमारे पास, इवॉल्व हो रखी होंगी, लेकिन
लेकिन होगा क्या बेटा, लेकिन अलग अलग चीजें इवॉल्व हो रखी होंगी माउथ पार्ट में, जैसे हनी बी का अलग होगा, हाउस फ्लाई का अलग होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, इन्हीं स्ट्रक्चर से इवॉल्व होगा। यहां तक समझ आ रही है बेटा? उसके बाद जरा ये देखो, हमारे पास एक प्लांट है, एक प्लांट है जिसे हम कह रहे हैं कुकम्बर। कुकम्बर, कुकम्बर में यहां पर लीफ के यहां पर एक बड थी, इस बड को बोला एक्सिलरी बड। इस एक्सिलरी बड की वजह से एक स्ट्रक्चर आया, उसको नाम दे दिया हमने टेंड्रिल। टेंड्रिल, तो टेंड्रिल किससे इवॉल्व हुआ है? एक्सिलरी बड से इवॉल्व हुआ है। दूसरा, दूसरा देखो, हमारे पास ऐसे ही एक्सिलरी बड थी, ये किसमें हुआ है बेटा? कुकुम्बर में हुआ है। ऐसा सिट्रस में, नींबू में या बोगेनविलिया में, बोगेनविलिया में हमारे पास क्या इवॉल्व हो गया बेटा? हमारे पास थॉर्न्स आ गए, कांटे, थॉर्न्स। तो थॉर्न्स एंड टेंड्रिल बोथ इवॉल्व फ्रॉम कौन सी बड? एक्सिलरी बड। तो क्या कॉमन है? ओरिजिन कॉमन है। क्या अलग है? फंक्शन अलग है, क्योंकि फाइनल स्ट्रक्चर अलग है, तो फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन क्या है? डिफरेंट है, समझो इस बात को, फंक्शन डिफरेंट है। तो ओरिजिन कॉमन है, फंक्शन डिफरेंट है, क्लियर? फंक्शन डिफरेंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। यहां तक कोई बात? एनालोगस स्ट्रक्चर्स या एनालॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। नो, व्हाट इज एनालॉजी? अब देखो, होमोलॉजी तो बता रही है कॉमन एंसेस्टर है। नो, व्हाट इज एनालॉजी? एनालॉजी क्या होता है? क्लियर? एनालॉजी क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्लियर? एनालॉजी क्या होता है बेटा? एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी होता है कि सिमिलर हैबिटाट में, सिमिलर हैबिटाट में हमारे पास, क्लियर? सिमिलर हैबिटाट में हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से सुनिए बेटा। सिमिलर हैबिटाट में, ध्यान से सुनिए बेटा, सिमिलर हैबिटाट में क्या होगा? सिमिलर स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाएंगे। सिमिलर क्या इवॉल्व हो जाएंगे? स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? सिमिलर हैबिटाट में हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाएंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाएंगे सिमिलर हैबिटाट में। और जो वो सिमिलर स्ट्रक्चर है, हमारे पास क्या है? सिमिलर हैबिटाट में सिमिलर स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाएंगे। सिमिलर स्ट्रक्चर का मतलब, जैसे मान लो हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना, हमने लिखा विंग्स ऑफ बैट, मैंने लिखा विंग्स ऑफ इंसेक्ट, समझ आ रहा है? मैंने लिखा विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ, मैंने क्या लिखा, इंसेक्ट्स लिख दिया, समझो, और विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स, ये तीन चीजें लिख दी। अब यहां पर हैबिटेट क्या है बेटा? नीड है उड़ने की, नीड है किसकी? फ्लाइंग की नीड है। अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर से इवॉल्व हुए, अलग अलग स्ट्रक्चर से, तो एक एक स्ट्रक्चर क्या बना हमारे पास, एक कॉमन स्ट्रक्चर क्या बना तीनों में? विंग्स। और वो किस किस से आया? एक मैमल इवॉल्व हुआ, एक बर्ड है हमारे पास जिसपे विंग्स हैं, और एक मेरे पास इंसेक्ट है, ठीक? मैमल तो मतलब बेसिकली फोर लिंब है प्रॉपर, ठीक है? इंसेक्ट में क्या होता है, उसकी एक तरीके से बेटा स्किन होती है, वो उसकी स्किन या एपिडर्मिस टाइप से होती है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या चीज बेटा एनालोगस में क्या होगा? एनालोगस में क्या अलग होगा? एनालोगस में बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, फाइनल सेम बन जाएगा। और इस तरह के एवोल्यूशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर इज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इससे पिछला पढ़ा, उसको हमने क्या बोला? हमने कहा वो था डायवर्जेंट एवोल्यूशन। वो था क्या? डायवर्जेंट, जिसकी वजह से फिन्स बने, विंग्स बने और फोर लिंब बने। ये कैसा एवोल्यूशन है?
कन्वर्जेंट, जिसकी वजह से क्या बने, विंग्स बने, किसमें, बर्ड में बने, मैमल में बने और इंसेक्ट में बने। तो ये वाला तो अलग स्ट्रक्चर है ना, यहां पर तो कॉमन क्या था, क्या आ रहा था, मैमल आ रहा था, यहां पर ये ओरिजिन अलग है इनका, तो ये फाइनल चीज सेम बन रही है। क्लियर, बता समझ इस चीज को। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा बेटा, सिमिलर फंक्शन आएगा। जो हम स्ट्रक्चर अलग कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, वो अलग है यहां, और यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, फाइनल चीज अलग है। क्लियर, बताओ जल्दी से। हाँ सर। इसके हमने क्या पढ़ने, एग्जांपल्स पढ़ने बेटा। अब इसके एग्जांपल्स पढ़ने, तो एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल हमने क्या पढ़ लिया, इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या पढ़ा बताओ। फर्स्ट एग्जांपल अभी हमने पढ़ा इसमें कि हमने बोला इसमें ये विंग्स किसके, बर्ड, बैट और इंसेक्ट, ठीक, ये हो गया। दूसरा हम लिख रहे हैं पोटैटो और स्वीट पोटैटो, पोटैटो और स्वीट पोटैटो लिखे। मुझे जरा ये बताओ, पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है, स्टेम की। स्वीट पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है, रूट, रूट की। और दोनों का रोल क्या है, स्टोरेज। समझ आ रहा है बेटा, दोनों का रोल क्या है, स्टोरेज। तो क्या सेम हो गया, क्या सेम हो गया, फंक्शन सेम हो गया, क्या अलग है, आ रही समझ। तीसरा, आई ऑफ ऑक्टोपस, ठीक, एंड आई ऑफ मैमल। बेटा ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट है, ठीक, उसकी प्रॉपर आई नहीं होती, पर एक तरीके का फोटो रिसेप्टर तो है, फोटो रिसेप्टर समझ आता है, आईज जो है फोटो रिसेप्टर भी तो है, लेकिन हम क्या करते हैं बेटा, जो देखते हैं उससे सिग्नल भेजते हैं ब्रेन पे, और ब्रेन कहता है कि आपने जो देखा वो ये है। लेकिन जो ऑक्टोपस की आई होगी वो लाइट को लेके होगी सिर्फ, कि लाइट पड़ी है उसके हिसाब से मूवमेंट करनी है। जैसे कॉकरोच देख लो, कॉकरोच की जो आई होती है वो इस सेंस करती है कि लाइट है कि नहीं है, लाइट होगी वो वहां से मूव कर जाता है, तो क्या देखा उसको उससे मतलब नहीं है। तो फोटो रिसेप्टर है दोनों, ये फंक्शन है, लेकिन बेसिक ओरिजिन दोनों का क्या है, सेम है। यहां तक समझ आ रही है बेटा, बोलो क्लियर। उसके बाद हम कह सकते हैं फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। बेटा डॉल्फिन मैमल टाइप से है, तो उसके जो फ्लिपर्स हैं, हमारे पास फ्लिपर्स होंगे, इनके फिन्स होंगे, रोल सेम है, रोल क्या है, सेम है, क्या अलग है, ओरिजिन डिफरेंट है। बोलो जल्दी से, आया समझ, स्टार्ट कर रहे हैं। सर जो न्यूमेटोफोर्स और लेंटिसेल होंगे, फिर वो एनालॉगस, क्लियर, एडेप्टिव रेडिएशन समझा रहा हूं, एक बार समझ लो, आपको इसको समझ आना चाहिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो क्या है, सबसे पहले समझो हो क्या रहा है। ये एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, लाइक आइलैंड, मान लो ऑस्ट्रेलिया है, एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक, क्लियर, सही है, क्लियर। दूसरा हमने क्या किया, इस ज्योग्राफिकल एरिया में, इस ज्योग्राफिकल एरिया में हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, एवोल्यूशन किया, ध्यान से सुनेंगे, हमने क्या किया, हमने एवोल्यूशन किया, ध्यान सुनो बेटा, हमने एवोल्यूशन किया, हमने क्या किया, ध्यान सुनो, हमने एडेप्टिव रेडिएशन का क्या मतलब होता है, कि जैसे इस ज्योग्राफिकल एरिया में छोटे छोटे एरियाज बने हुए हैं, ऐसे इसको जरा मैं ऐसे समझा रहा हूं, ये एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, इस बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में छोटे छोटे हैबिटाट्स हैं अलग अलग टाइप के, ऐसे अलग अलग टाइप के हैबिटाट्स हैं, अलग अलग टाइप के हैबिटाट्स हैं, ध्यान से सुनना। एडेप्टिव रेडिएशन का मीनिंग ये होता है, मान लो ये हैबिटाट को थोड़ा पानी जैसा था, ये लैंड थी, ये मॉइस्ट सॉइल थी, ऐसा कुछ था, या ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, क्लियर, ये डेजर्ट था, ध्यान से सुनना इस चीजों को,
हमारे पास क्या क्या था इसको समझना, हमारे पास एडप्टिव रेडिएशन समझा रहा हूं। सबसे पहले समझो एक बड़ा हैबिटाट है, जैसे कि मान लो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, उसमें छोटे छोटे हैबिटाट्स बने हुए हैं। मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि यहां मान लो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यहां मान लो डेजर्ट जैसी कंडीशन बनी हुई है, डेजर्ट है, यहां मान लो स्नो है। अब हुआ ये कि एक मैमल था, वो अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरीके से इवॉल्व किया, ऐसे इसे कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है, अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि फ्रॉम गिवन पॉइंट सेम सिमिलर स्पीशीज या सेम स्पीशीज इवॉल्व इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी में विंग्स बन जाएंगे, किसी में कुछ और स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर? तो किसी कॉमन बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में किसी सिमिलर पॉइंट से, जैसे मान लो एक सिमिलर पॉइंट का क्या मतलब हुआ, एक मैमल था, उस मैमल ने अपने आप को मार्सुपियल में कन्वर्ट कर लिया, मार्सुपियल मैमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक, क्लियर, सही है, मार्सुपियल मैमल में कन्वर्ट, सॉरी मार्सुपियल कह रहा हूं, सॉरी मार्सुपियल तो अलग होता है, मतलब उसको कैसा कन्वर्ट कर लिया, जैसे मार्सुपियल जैसा मैमल, मार्सुपियल कौन होता है, कैंगरू, सही है, उसके जैसा कन्वर्ट कर लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि एक मैमल पॉइंट से ओरिजिनेट हुए और अलग अलग टाइप के मैमल बन गए अलग अलग फीचर के, इसे कहते हैं एडप्टिव रेडिएशन। एडप्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि फ्रॉम कॉमन पॉइंट से अलग अलग छोटे हैबिटाट्स में डिफरेंट टाइप से इवॉल्व होना, डिफरेंट टाइप से क्या होना, इवॉल्व होना, या हम इस चीज को लिखते हैं प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, क्लियर, जहां पर वेयर फ्रॉम कॉमन पॉइंट इवॉल्व इनटू डिफरेंट स्पीशीज, नई स्पीशीज बन जाती हैं, सही है, इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब यहां फॉरेस्ट था, यहां स्नो है, तो एक मैमल ने अलग अलग तरह की स्पीशीज इवॉल्व कर ली, सिंगल मैमल ने अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिए में, इसे कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन मतलब रेडिएट कर रहा है, इसे क्लियर, इस तरीके से रेडिएट कर रहा है। यहां तक समझ आया थोड़ा बहुत, ये बता बेटा, ये वाली बात समझ में आई, एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं इसमें, क्लियर, दोबारा सुनो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपके पास एक मैम, देखो मैंने क्या बोला, मैंने सबसे पहले ये बोला है कि मैंने एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया लिया है, उस बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में छोटे छोटे हमारे पास हैबिटाट्स हैं, ऐसे उन छोटे छोटे हैबिटाट्स में मैं एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, सिंगल पॉइंट से स्टार्ट कर इसमें मान लो स्नो थी, इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था या डेजर्ट था, तो डिफरेंट हैबिटाट में अलग अलग स्पीशीज बना दी, इसको कह रहे हैं एडप्टिव रेडिएशन। अब मेरी बात सुनो, यहां स्नो था, सही है, यहां स्नो था, ठीक। अब एक एडप्टिव रेडिएशन यहां हो रहा है, ये तो मैमल का था, ये हो रहा है मार्सुपियल का। मार्सुपियल कौन होते हैं, जिनको पाउच होता है, जैसे कैंगरू में पाउच होता है ना, उन्हें मार्सुपियल कहते हैं। अब हुआ ये कि इस स्नो में मिलने वाले मैमल ने बहुत ज्यादा अपने ऊपर क्या ला दिए, हेयर ला दिए, फेदर ला दिए, काफी ज्यादा हेयर ला दिए, जो स्नो में मैमल था। ऐसे ही मार्सुपियल जब स्नो में डेवलप किया तो उसने भी हेयर ला दिए, तो ये ए और बी एक दूसरे से मैच कर रहे थे। तो ये जो कॉमन जगह पर, ध्यान से सुना, इस कॉमन जगह पर ए और बी मैच कर गए, पर हैं अलग अलग स्पीशीज ही, इसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो किसी बड़ी ज्योग्राफी में, उसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। मेरा मीनिंग समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस मार्सुपियल में भी एडेप्टिव रेडिएशन हुई, इस मैमल में भी एडेप्टिव रेडिएशन हुई, किसी कॉमन सिमिलर हैबिटाट में फीचर थोड़े मैच कर गए, तो ये
इन्होंने कैसे ऑर्गन डेवलप कर लिए, एनालोगस। कैसे डेवलप कर लिए, एनालोगस। मान लो ये पानी होता तो ये मैमल में गिल्स आ गए होते थोड़े से, या फिन्स आ गए होते। इस मैमल में क्या आ गए होते, पानी होता तो क्या आ गए होते, फिन्स आ गए होते। इसमें इस मार्सुपियल में भी क्या आ गए होते, फिन्स आ गए होते। तो इस पानी वाले हैबिटाट में इन्होंने कॉमन फीचर इवॉल्व कर लिया, जबकि इनका एंसेस्टर अलग अलग है। इसीलिए इसे बोल रहे हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसको आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अगर किसी बड़े हैबिटाट में एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, तो वो क्या करवाता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इतने पॉइंट को इसे कह रहे हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और ये क्या है, दोनों एडेप्टिव रेडिएशन, ये क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर, एडेप्टिव रेडिएशन। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या हुआ, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन किसी कॉमन हैबिटाट में हो, उसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से समझ लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्जेंट देखो, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, एक टेबल बना रखी है, तो उसमें मार्सुपियल्स और मैमल्स को कंपेयर कर रखा है फीचर। तो ये कहां हुआ था, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके एग्जाम्पल देखो अडेप्टिव रेडिएशन के क्या एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो। मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं अडेप्टिव रेडिएशन की, एग्जाम्पल सुनो। सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स कौन से होते हैं, जिनमें पाउच होता है, जैसे कैंगरू। दूसरा अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है मैमल्स। तो जो ऑस्ट्रेलिया में मैमल्स भी इवॉल्व हुए, वो इसी तरीके से इवॉल्व हुए, ठीक इसी तरीके से इवॉल्व हुए। तीसरा एग्जाम्पल है, एक आइलैंड था जहां डार्विन विजिट किया था, उसे कहते हैं गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड क्या था बेटा, गैलापागोस आइलैंड क्या है, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है ऐसे। तो बर्ड्स थी वहां पर, बर्ड्स थी, वो जो बर्ड वहां पर थी वो इन आइलैंड्स पे मूव करी है, तो अलग हैबिटेट हो गया। इन आइलैंड्स पे जाकर वो जो बर्ड थी बेटा, उस बर्ड की बीक में फर्क आ गया, मतलब यहां पर अलग बीक थी, चोंच बीक, यहां अलग थी, यहां अलग थी, यहां अलग थी। तो उन बर्ड्स को हम नाम देते हैं डार्विन की फिंचिस। तो डार्विन की फिंचिस की बीक के पैटर्न अलग अलग थे। चोंच में फर्क क्यों आया, क्योंकि कुछ जगह फ्रूट्स नहीं थे तो कुछ जगह नेक्टर खाना था, तो नेक्टर खाने के लिए लंबी चोंच चाहिए, कुछ जगह फ्रूट खाना था, कुछ जगह इंसेक्ट खाना था। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप था जिसे गैलापागोस आइलैंड्स कहते हैं। नाउ दिस गैलापागोस आइलैंड्स में डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि बर्ड्स हैव डिफरेंट साइज ऑफ बीक। नाउ दीज बीक्स आर नोन एज डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस कह रहे। क्लियर, ये चीज समझ आई, चेक करो ध्यान से प्रोसेस। देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन गिवन ज्योग्राफिकल एरिया फ्रॉम कॉमन पॉइंट लिटरली रेडिएटिंग टू अदर ज्योग्राफी, मतलब किसी कॉमन पॉइंट से अलग अलग ज्योग्राफी पे गए और वहां पर अलग अलग फीचर्स इवॉल्व कर लिए, ठीक है क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या दे रखे, ये रहे, देखो मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स रेडिएशन दे रखे ऑस्ट्रेलिया में। मार्सुपियल्स क्या होते हैं, जिनको पाउच होता है, उसमें एक तो ये हो गया कैंगरू, फिर नॉक्टर्नल, रात की हैबिट्स के हिसाब से मार्सुपियल रैट, ये नाम है देखो बेटा, टाइगर कैट, टस्मानियल वुल्फ, टस्मानिया बेटा ऑस्ट्रेलिया के पास ही है ये। क्लियर, ये समझ आ रहा है सबको, ध्यान से देखो बच्चे, ये सारे क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन से बनी हुई स्पीशीज है। किसकी अडेप्टेशन, एडेप्टिव रेडिएशन हुई, मार्सुपियल की, कॉमन पॉइंट से वोम्बैट। अब इसने क्या किया है, एक और एग्जाम्पल दिया एडेप्टिव रेडिएशन का, ध्यान से देखो। अब ये टेबल दी है,
अब इसमें ये प्लेसेंटल मैमल है, मतलब ऐसे मैमल जो प्लेसेंटा है जिनमें, ध्यान से देखो बेटा ये दिख रहा है सबको, देखो अब ये दोनों सिमिलर मैच कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये मोल और ये मार्सुपियल मोल मैच कर रहे हैं अलग अलग, तो ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। देखो अगर मैं आपको, देखो मैं क्वेश्चन कैसे दूंगा, मोल एंड एंट ईटर इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि ये दोनों किससे आए हैं, कॉमन मार्सुपियल से, इसी तरीके से माउस, ठीक क्लियर, सॉरी मैमल से, प्लेसेंटल मैमल से। ऐसे ही अगर मार्सुपियल मोल और नंबेट, ये सारे ये किसके एग्जांपल है, एडेप्टिव रेडिएशन के, ये तीनों अगर इकट्ठे लिख दूं तो। लेकिन अगर मैं आपको लिखूं कि लेम्यूर और ये दोनों साथ लिखूं, ये किसके एग्जांपल है, ये दोनों किसके एग्जांपल है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। समझ आया मैंने क्या बोला, मैंने क्या समझाया था आपको बेटा, मैंने ये बोला था जब किसी एक पॉइंट से ये एडेप्टिव रेडिएशन हुई, ये एडेप्टिव रेडिएशन हुई, तो मान लो ये प्लेसेंटल मैमल है, इस वाले पॉइंट से ये एडेप्टिव रेडिएशन हुई, ये मान लो मार्सुपियल थे, तो यहां पर हो सकता है मोल बना हो और यहां पर बनाओ मार्सुपियल मोल, ये दोनों, ये और ये बने हो, तो ये दोनों एक कॉमन हैबिटेट में आए, इसलिए क्या है, किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल तब होगा जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन किसी कॉमन ज्योग्राफी में होगी, और उस कॉमन ज्योग्राफी का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर देखो, प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो शो एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, सिमिलर टू कॉरेस्पॉन्डिंग मार्सुपियल। समझ आया बेटा, अब देखो ये लिखी है लाइन एनसीईआरटी ने, लिखी है व्हेन मोर देन वन, मोर देन वन समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो किसी आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, ये समझो, उसने खुद बोल दिया आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, समझ आया, स्नो लिख दिया, अलग अलग हैबिटेट लिख दिया, क्लियर, ये चीज समझ आ रही है बेटा, किसको नहीं समझ आया पूछो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे कि हमने कहा था ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, उसमें छोटे छोटे डिफरेंट हैबिटेट है, छोटे छोटे अलग अलग हैबिटेट मतलब अलग अलग एरिया भी होंगे, तो यहां पर एक मार्सुपियल था, ये एरिया मान लो तुम्हारा वो है, क्या नाम है, मैंने स्नो का एग्जाम्पल दिया, मान लो कोई ऐसा एरिया जिसे फॉरेस्ट कह देते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये वाला, तो यहां पर जो मैमल इवॉल्व हुआ प्लेसेंटल मैमल वो उसी हिसाब से होगा, और ये भी उसी हिसाब, मतलब इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये वाले जो एरिया है, यहां पर ये मार्सुपियल, ये वाला सॉरी ये वाला मार्सुपियल और ये मैमल, मान लो ए से मार्सुपियल को लिख रहा हूं, बी से मैमल्स को लिख रहा हूं, ये एक जैसी चीजें इवॉल्व करेंगी, तो खुद से देख बेटा, खुद से देख, अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन होगी तभी हम कहेंगे कि दो उधर कन्वर्जेंट हुआ है, मतलब कम से कम दो चाहिए ना, दो एडेप्टिव रेडिएशन कम से कम चाहिए, तीन भी हो सकती थी, एक यहां हो रही होती, तो इसका मतलब मान ले सबने फिन्स इवॉल्व कर लिए, फिन्स तो इसने मार्सुपियल ने भी इवॉल्व कर लिए, मैमल ने भी इवॉल्व कर लिए, तो फिन्स की वजह से पानी में रह रहे तो कॉमन हैबिटेट हो गया ये, तो एक से इस बड़े एरिए में, बड़ा एरिया कौन है ऑस्ट्रेलिया, उस बड़े एरिए में डिफरेंट हैबिटेट थे, वहां पर उस बड़े एरिए में एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन थी, एक ये थी और दूसरे वाली ये थी, एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है, और कौन से ऑर्गन बन रहे हैं, एनालोगस, तो मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन इन कॉमन ज्योग्राफी विल लीड टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड हेंस फॉर्मेशन ऑफ एनालोगस ऑर्गन। हाँ बेटा बताओ, फिर आ गया, छोटे एरिया में स्पेसिफिक हो रहा होता है, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को मैक्रो एवोल्यूशन मानते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कंपैरेटिवली फास्ट होता है, ये रिलेटिवली स्लो होता है,
क्लियर, सही है, ये चीज समझ आ रहा है, ये रिलेटिवली क्या होता है, स्लो होता है, क्लियर, सही है। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, कॉमन पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीशीज है, कॉमन पॉइंट से क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीशीज है, सो दैट क्या कर सके, अडेप्ट कर सके डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब एक कॉमन पॉइंट से बनी हुई अलग अलग स्पीशीज हैं, विच कैन अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लियर। ये क्या एक्चुअल में, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये एक तरीके से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंस है, ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं। पर आपके हिसाब से बेटा, आपको जो दिमाग में रखो वो ये वाली बातें ध्यान रखो कि ये गिवन हैबिटेट को लेके हो रहा होता है, इसलिए से माइक्रो बोलते हैं, ये बड़े ही जगह में हो रहा होता है, मैक्रो बोलते हैं, कंपेरेटिवली ये रैपिड होता है क्योंकि एरिया सेग्रीगेटेड है, अलग है, और ये रिलेटिवली क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है, क्लियर। इतना डिफरेंस लिखना काफी रहेगा आपको समझने के लिए। अब हमारे पास एक चीज और है, यहाँ पे एक एविडेंस और होते हैं जिसे हम कहते हैं बायोकेमिकल एविडेंस। नाउ व्हाट इज बायोकेमिकल एविडेंस, ध्यान से सुनना, बायोकेमिकल एविडेंस का मतलब समझना। आपके पास ये सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया के सेल में ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ह्यूमन के सेल में भी हो रही है, ठीक, उसमें भी ग्लाइकोलिसिस हो रही है, वही एंजाइम है, सेम एंजाइम है भाई, कोई फर्क नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ एंसेस्ट्री तो है ना, कहीं ना कोई कुछ एंसेस्ट्री तो है। आप लीफ के सेल ले लो, मीजोफिल सेल ले लो, उसमें भी ग्लाइकोलिसिस हो रही है, वही एंजाइम है। तो बायोकेमिकल एविडेंसेस का मतलब होता है, आप क्या करो, आप एविडेंसेस किससे लाओ, प्रोटोप्लाज्म में जो चीजें हैं, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है भाई, प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास बेटा एंजाइम्स है, एंजाइम्स कंपेयर करो, जब आप एंजाइम कंपेयर करोगे तो आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, सिमिलैरिटी मिलेगी, और उसे बोलते हैं होमोलॉजी मिलेगी, क्या मिलेगी, होमोलॉजी, क्या मिलेगी, होमोलॉजी। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस, या एक पुराना एंजाइम ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ऑल्सो शो होमोलॉजी, ट्रिप्सिन ऑल्सो शो होमोलॉजी, होमोलॉजी मतलब सिमिलैरिटी, क्लियर, सिमिलैरिटी मतलब ट्रिप्सिन कुछ प्रोटोजोआ में मिल जाता है, तो जो प्रोटोजोआ में ट्रिप्सिन मिल रहा है वही ट्रिप्सिन हमारे अंदर है, तो इसका मतलब ये भी क्या शो कर रहा है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है। तो जो ये केमिकल्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म के, अगर ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं तो इसका मतलब एविडेंस है ना कॉमन एंसेस्ट्री का, इसका मतलब हमने क्या बोला कि केमिकल्स इन प्रोटोप्लाज्म क्या शो करता है, शो कॉमन एंसेस्ट्री, आ रही है समझ, क्या शो कर रहा है बेटा, कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहा है। तो केमिकल्स इन प्रोटोप्लाज्म क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है बेटा, हमारे पास कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहा है, और वो कौन से केमिकल्स हैं, बेसिकली एंजाइम्स हैं, जीन्स हैं, क्योंकि जीन्स में डीएनए का सीक्वेंस भी सेम आएगा, ऑल्सो सेम, और क्या है, मेटाबोलिक पाथवे मतलब लाइक ग्लाइकोलिसिस, दे ऑल्सो शो सिमिलैरिटी। आई समझ, बताओ यहां तक समझ आई, जल्दी से बताओ।